इन द लास्ट वीडियो वी हैव लर्न कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन बींग विथ कंप्यूटर नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सो लेट स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स आप कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर का यूज करते हैं कहाँ कहाँ पर आपने देखा है कि कंप्यूटर यूज किए जाते हैं फॉर एक्जाम्पल साइंटिफिक रिसर्च मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं मतलब रोबर्ट्स को कंट्रोल करना होता है इन सब में क्या होता है कंप्यूटर का यूज़ होता है बिज़नेस एप्लीकेशन जैसे जो भी अकाउंट इंफॉर्मेशन होती है स्टॉक्स की होती है इंफॉर्मेशन या किसी आइटम का कितना प्राइस है वो सब यूज़ करने के लिए भी हम बिजनेस पर्पज़ से भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं एजुकेशन में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है जैसे आपने ऑडियो वीडियोज़ और इमेजेस आप यूट्यूब पे टिटोरियल देखते हैं और बाकी जो क्लासेस होती हैं आपकी वो सब एजुकेशन में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है एंटरटेनमेंट भी कंप्यूटर का यूज़ होता है जैसे आपने अगर कोई मूवीज़ देखनी है या फोटोज़ देखनी है गेमिंग मतलब गेम वगैरह प्ले करना है तो आप इसमें भी आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं बैंक्स में भी आपने विज़िट किया होगा तो बैंक्स में भी क्या होता है सारी इंफॉर्मेशन जो भी होती है अकाउंट होल्डर्स की डिपॉजिट्स की विथड्रॉल की एवरीथिंग वो सब एक कंप्यूटर में मेंटेन किया जाता है डेटाबेस कम्युनिकेशन uh, में जैसे आजकल हमने देखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या फिर चैट करते हैं ईमेल करते हैं वॉइस मेल करते हैं इन सब जगहों पर भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो अगर उन्हें डिज़ाइन करना होता है किसी बिल्डिंग को तो वो कंप्यूटर में कंप्यूटर की हेल्प से उसको और अच्छे से एनहांस कर पाते हैं अच्छे से डिज़ाइन कर पाते हैं उसमें भी उस फील्ड में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है मेडिसिन में सारा रिकॉर्ड्स रखने के लिए बिलिंग करने के लिए बुक पब्लिशिंग में अगर जैसे बुक पब्लिशर्स होते हैं जो उन्हें अपनी आ, बुक को पब्लिश करना होता है तो वो एम एस वर्ड को यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर हमारे पर्सनल पर्पजेज़ के लिए होता है अकाउंटिंग अकाउंटिंग में हम सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया फाइनेंशियल अकाउंट हो गए टैली जैसे सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं थैंक यू